हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे बच्चों का बहुत ही फेवरेट और बहुत ही मजेदार सा नाश्ता, जिसे हम बहुत ही आसानी से सिर्फ पोहा में बेसन को घोलकर बनाएंगे, वो भी बहुत सारी सब्जियों के साथ। जिसे बनाने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल लेंगे, जिसमें हम 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, लगभग 1/4 चम्मच। अब हम हल्दी को बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे सा घोल रेडी कर लेंगे। पानी हमें यहाँ पर एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं बनाना है, बिल्कुल लम्स फ्री बैटर हमें बनाना है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत ज्यादा गाढ़ा या बहुत ज्यादा पतला इसे नहीं करना है। बेसन को हमने अच्छे से घोल लिया है, इस तरह से हमें इसे घोल लेना है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, तब तक हम पोहा रेडी कर लेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 1 कप पोहा। पोहा को हमें छान लेना है, तो हम छन्नी में डालकर पोहा को छान लेंगे। बहुत ज्यादा पोहा का हमें यहाँ पर यूज नहीं करना है, सिर्फ 1 कप पोहा से रेसिपी बनाएंगे। हमें यहाँ पर पोहा को अच्छे से साफ कर लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर पोहा को भिगाने की जरूरत नहीं है, हम इसे अच्छे से छान लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी कचरा, धूल मिट्टी वगैरह ना रहे। इस तरह से छानने से ये अच्छे से साफ हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर मीडियम पोहा लिया है, हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा पोहा का यूज नहीं करना है, सिर्फ 1 कप पोहा से ये रेसिपी बनाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा पोहा यूज करेंगे तो हमारी जो रेसिपी है वो थोड़ी सूखी सूखी सी, ड्राई सी बनेगी। अब हम यहाँ लेंगे 3 आलू। आलू मैंने यहाँ पर इस तरह के मीडियम साइज वाले लिए हैं। अगर आपके आलू छोटे हैं तो आप 4 ले सकते हैं, या बड़े हैं तो 2 भी ले सकते हैं। इसे हम अच्छे से मैशर से मैश कर लेंगे, इसे हमें मैश करके लेना है। आलू को हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है, जिससे ये आसानी से मैश हो जाए। तो हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 प्याज डालेंगे, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 हम यहाँ पर शिमला मिर्च डालेंगे, साथ में मैंने यहाँ पर कुछ उबले हुए मटर लिए हैं। आप फ्रेश मटर भी ले सकते हैं, फ्रोजन भी ले सकते हैं, या आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप उससे ये नाश्ता बनाकर रेडी कर सकते हैं। साथ ही में मैंने यहाँ पर कॉर्न लिए हैं, ये मैंने फ्रेश मकई ली है। मकई को मैंने चाकू की मदद से निकाल कर लिया है, छील कर बिल्कुल भी ना ले। छील कर लेने से ये तेल में पॉप होने लगते हैं, इसे भी हम डाल देंगे। लगभग 1/4 कप हमने यहाँ पर कॉर्न लिए हैं। सब्जियाँ आप यहाँ पर अपनी चॉइस की और अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर गाजर, बीन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पत्ता गोभी का भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जो भी सब्जी आपके पास अवेलेबल है वो सब्जी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या जो नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर 2 मिर्च ली है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर नमक डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर नमक डाल सकते हैं। सब्जियों में हमने यहाँ पर सबसे पहले नमक इसलिए डाला ताकि जो सब्जियाँ है वो अच्छे से पानी छोड़ दे। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच ही हम यहाँ पर आमचूर पाउडर डालेंगे, इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ी सी हम यहाँ पर अजवाइन लेंगे, लगभग 1/4 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। इसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, बहुत ही कम डाला है, लगभग 1/4 चम्मच से भी कम डालना है, इससे जो टेस्ट है वो बढ़ जाता है। 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। अगर आपको तीखा कम खाना है तो आप यहाँ पर चिली फ्लेक्स स्किप कर सकते हैं। साथ ही में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अगर हो तो जरूर डालें, ना हो तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि हमने इसमें धनिया पाउडर का यूज किया है। अब हम ये जो सारी चीजें हैं उसे अच्छे से मैश कर लेंगे, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर जो हमारा बाउल है वो थोड़ा छोटा लग रहा है मैश करने के हिसाब से, तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ। अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मैश करना है ताकि सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स हो जाए। खाते वक्त बच्चों को ढूंढने से भी सब्जियां इसमें ना मिले, तो इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हमने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, तो हमने इसे बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे पोहा, जिसे हमने अभी छान कर रखा है, इसे हमने भिगाना नहीं है, बिना भिगाए ही डालेंगे। तो हमने यहाँ पर 1 कप पोहा लिया था, तो 1 कप पोहा को हम डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो बेसन हमने रेडी करके रखा है, उसे डालना है। अब हम जो सारी चीजें हैं उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
सारी चीजों को हमें अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पर पोहा को बिना भिगाए डाला है, तो जो सारा हमारा आलू बेसन में जो पानी है वो सारा पोहा अब्सॉर्ब कर लेगा, तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमें इसे मिक्स करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ एक मिनट में सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाती है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सारा मिश्रण है वो बिल्कुल एक डो के फॉर्म में आ गया है। इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर आप यकीन मानिए आपको बहुत ही मजा आएगा और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करें। और यहाँ पर मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो हमारे जो सारी सब्जियां और आलू है वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो हमें इसे इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। 5 मिनट हो गए हैं, तो हमने जो आलू और सब्जियों से और पोहा से जो डो रेडी किया था वो अच्छे से सेट हो गया है। तो हमें इस तरह से हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है ताकि जो आलू है वो हाथ को ना चिपके, और इसे हम निकाल लेंगे। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक चॉपिंग बोर्ड, उसमें हम ये जो डो है उसे रख लेंगे और इसे थोड़ा सा अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि आलू में जो चंक्स वगैरह हो तो वो बिल्कुल ना रहे। इस तरह से अच्छे से मसल लेना है ताकि हमारे जो आलू है वो भी अच्छे से बारीक हो जाए। ऐसे तो हमने इसे अच्छे से मिक्स करके ले लिया था, फिर भी एक बार इस तरह से मसल ले और जो डो है उसे अच्छे से समेट लेंगे। ये जो नाश्ता है वो बच्चों को बेहद पसंद आता है, तो आप एक बार इस नाश्ते को जरूर बनाकर ट्राई करें। आप सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा, और बहुत ही कम चीजों के साथ और हेल्दी सब्जियों के साथ बना रहे हैं तो बहुत ही टेस्टी है, हेल्दी है। तो हमने इस तरह से इसे अच्छे से मसल लिया है और इसका इस तरह से एक रोल बना लिया है। इस तरह से थोड़ा सा सरफेस में ऑयल लगा लेंगे ताकि ये आसानी से निकल आए। ऐसे तो हमने इसमें जो डो था वो रेडी किया था, फिर भी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब जो डो है उसे अच्छे से फैला लेंगे, इस तरह से अच्छे से फैलाना है। बहुत ज्यादा मोटा नहीं रखना है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है, इस तरह से करेंगे। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, कटलेट के शेप में बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में, या फिर आप इसे सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे कटलेट के शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे हाथ से भी शेप दे सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही आसानी से बनकर रेडी हो जाते हैं, तो इसके लिए मैं आज इसे इस तरह से बना रही हूँ। तो हमने इसे अच्छे से फैला लिया है, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं रखनी है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं करना है। अब हम यहाँ पर इसे कट कर लेंगे, तो मैं इस तरह से एक कटोरी ले रही हूँ, आप चाहे तो कुकी कटर भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें कट कर लेना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं और किसी भी साइज का बना सकते हैं। मैंने इस तरह से कटोरी से काट कर इसे रेडी किया है। अब मैं आपको इसे हाथ से बनाना बता देती हूँ, जिससे आप इसे आसानी से बना सकते हैं। इस तरह से हमें इसे रोल कर लेना है, जिस तरह से हम रोटी बनाने के लिए लुई बनाते हैं वैसा ही इसे बनाना है, और हथेली से थोड़ा सा दबाते हुए हमारा इस तरह से टिक्की वाला शेप रेडी हो जाएगा। आप इसे इस तरह से स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी तरह से मैं इसे राउंड शेप में भी बना रही हूँ, जैसे हम लड्डू बनाते हैं उसी तरह से हम बनाएंगे। तो आपको जो भी तरीका पसंद है आप उस तरीके से बना सकते हैं। हमने सारा ही नाश्ता रेडी कर लिया है, जिसे हमने इस तरह से टिक्की के शेप में बनाया है, और इसे हमने डिफरेंट शेप में भी रेडी किया है। तो आपको जो शेप पसंद हो वो शेप में आप इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। अब हम यहाँ लेंगे ब्रेड क्रम्स, तो ब्रेड क्रम्स को हमने हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, जिससे वो इस तरह से हल्के बारीक हो गए हैं। इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगाने से बिल्कुल भी इसमें मोटे मोटे जो टुकड़े ब्रेड क्रम्स के होते हैं वो नहीं रहेंगे। तो हम इस तरह से जो हमारा आलू का नाश्ता है उसे इस तरह से ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। इस तरह से हल्का सा कोट करना है, जिससे कि बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मजेदार सा लगता है। इस तरह से हमें सारे नाश्ते को बनाकर रेडी कर लेना है। अगर आपके पास यहाँ पर ब्रेड क्रम्स नहीं है तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि जो पोहा है उसे ले ले, कच्चा पोहा ही लेना है, और उसे मिक्सी में ग्राइंड कर ले और उसे इस तरह से ब्रेड क्रम्स की जगह पे आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से भी आपका जो नाश्ता है वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा।
अब हमने इस तरह से टिक्की को रेडी कर लिया है। इस तरह से अच्छे से कोट कर लें। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गर्म हो गया है तो जो हमने आलू का नाश्ता बनाया है उसे हम फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो नाश्ते को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। हमें नाश्ते को थोड़ी देर के लिए टच नहीं करना है। थोड़ी देर बाद इसे हम पलट लेंगे। और याद रहे कि इसे हमें हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करना है। अगर हम इसे हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे तो जो नाश्ता है वो बिखरने लगता है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी हाई फ्लेम कर दी थी तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा नाश्ता मेरा भी बिखर गया है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि नाश्ता किस तरह से बिखरता है। तो ये जो नाश्ता है वो आलू का है तो इसे हमें मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। तो हमने इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है, इसे हम निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ पर आधा ही नाश्ता फ्राई किया है। आधे नाश्ते को मैंने बिना फ्राई किए हुए एयर टाइट डब्बे में भर कर फ्रीजर में रख दिया है। इसे हम 2 से 3 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो इसे मैं बाद में फ्राई करूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हो गया है और घर की ही चीजों से हमने इसे बनाकर रेडी किया है और बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर रेडी हुआ है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही एक और मजेदार सी रेसिपी के साथ।